मोहम्मद हफीज़ खान, कुरला ईस्ट में रहता हूँ मैं। 2017 का और 2018 का इन्वेस्टर हूँ। अब तक के जितना दिन चला भी मैं साल भर के उसमें डाला था। हालांकि मुझे पैसे नहीं आया, लेकिन इतना जो आज के यहाँ बेलापुर में आकर के जो देखा, जो कुछ लोग, कुछ सातिर लोग जो जो कि मतलब ये नहीं चाहते हैं कि ये सक्सेस हो, वो लोगों ने इस तरीके से दिए आकर के उत्पाद यहाँ मचाए कि कोई बात भी नहीं करने दिए, जबकि आप लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं, लोगों को चुप भी कराने के, लेकिन लोगों को क्या माइंड जो है कुछ लोगों को बन गया कि बिल्कुल कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। और ये ज़्यादा लोग नहीं है, मुश्किल से मेरा ख्याल है 10 लोग रहे होंगे, लेकिन वो लोगों ने 10 मिल करके पूरे लोगों को जो है मतलब परेशान करके रख दिए। और ये कोई सोचे कि पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा तो इंशाल्लाह मिलेगा, पैसा सबको मिलेगा, पैसा किसी का भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो आज तक के ये शाहबाज खान ने उठाया था कि पोंजी स्कीम इस तरीके से नहीं रहती है कि प्रॉपर्टी नहीं बनाते, वो आएगी और भाड़े की जगह लेंगे और बटोरेंगे चले जाएंगे, तो इस तरीके से ये नहीं। अगर ऐसा होता करके तो ये प्रॉपर्टी नहीं बनाते। आज इतनी प्रॉपर्टी है कि इसका अगर मेरे ख्याल से अगर 2% भी अगर निकाल दें तो शायद उतना भी इन्वेस्टरों का पैसा नहीं है। और ये जिसकी वजह से थी आज ये डैमेज हुई है हमारी कंपनी, उसको तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है। हालांकि जो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था कि उसको बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ आकर के बस चिल्लम पुकार, पैसा कब मिलेगा, पैसा कब। अरे इस तरीके से थी मतलब अगर करेंगे तो शायद मेरा ख्याल है कि लोग खुद अपनी अपने आप को परेशान होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।